अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर, हियर आई एम इमरा बतूल। टुडे इज द थर्ड लेक्चर ऑफ कंप्यूटर साइंस। इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। अब इसमें क्या है, इनपुट का आप सबको पता है कि इनपुट क्या है, कि जब हम कुछ कंप्यूटर को देते हैं वर्क करने के लिए, कोई चीज देते हैं उसको, कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो क्या होगी, इनपुट होगी। इसमें जो बेसिकली जो है स्टैंडर्ड इनपुट जो हम यूज करते हैं वो क्या होता है, कीबोर्ड होता है। उसके अलावा हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि अगर हमें किसी वेबसाइट पे जाना हो, फॉर एग्जाम्पल हमें किसी ब्रांड की वेबसाइट पे जाना है, तो वो क्या करते हैं कि वो नीचे हमसे इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। अक्सर वेबसाइट्स के स्टार्ट में लिखा होता है कि आई एम नॉट अ रोबोट, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ही वो हम उसके अंदर एंटर होंगे। इसी तरह हम एक और भी लिखा होता है कि उन्होंने लिखा होता है राइट योर नेम, और नीचे उन्होंने लिखा होता है राइट योर नेम, नीचे क्या है एक बॉक्स का बॉक्स सा दिया होता है, उसके अंदर क्या लिखते हैं कि हम अपना जो है वो नाम लिखते हैं। नीचे उन्होंने लिखा होता है ईमेल, ईमेल भी लिखे तो उसके अंदर भी हम क्या होते हैं, अपनी जो ईमेल होती है वो लिखते हैं। ये क्या लेते हैं, जब हम इसके अंदर ये अपना डाटा पुट करते हैं तो वो क्या होता है कि हम उन्हें वो इनपुट दे रहे हैं। उसके बाद हम एंटर करने के बाद, साथ ही जैसे ही हम इधर जो है वो एंटर करेंगे या लॉग इन करेंगे या साइन इन करेंगे, तो बाद में क्या होता है कि ब्लिंक करके जो है हमारा जो जो डाटा होता है वो हमें एक वेलकम की स्क्रीन जो है वो शो करता है, और जो भी वेबसाइट होती है वो ओपन हो जाती है। वो क्या होती है, वो आउटपुट होती है। अब हम इसकी डिटेल देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग टू द कंप्यूटर्स इज नाउन एज इनपुट, यानी कि जब हम कुछ ही देते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं कंप्यूटर को, तो वो क्या होती है, इनपुट होती है। द इनपुट इज मोस्टली गिवन बाय कीबोर्ड, ये जो है ज्यादातर हम कीबोर्ड की मदद से जो है इन्फॉर्मेशन देते हैं। द टर्म स्टैंडर्ड इनपुट रेफर्स टू द इनपुट यूजिंग कीबोर्ड, जो स्टैंडर्ड इनपुट है ना हमारे पास वो कीबोर्ड है, कि हम कीबोर्ड की वजह से जो है अपनी जो स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन होती है वो कंप्यूटर्स को देते हैं। इसके अलावा हमारे पास माउस भी होता है इनपुट के लिए, हम वो भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो ज़्यादा बेसिक होता है, जो स्टैंडर्ड इनपुट है, वो कीबोर्ड ही है। क्यों कीबोर्ड क्यों है, क्योंकि ये हर कंप्यूटर के साथ ज़रूर होता है, बेशक वो कंप्यूटर हो बेशक वो लैपटॉप हो, ये जो है कीबोर्ड ज़रूर होगा। हम माउस के बगैर जो है वो वर्क कर सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर, लेकिन जो कीबोर्ड है इसके बगैर हम जो है वर्क करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, हम नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या, ये स्टैंडर्ड इनपुट है। अब प्रोग्राम में नीड सर्टेन इनपुट फ्रॉम द यूजर फॉर वर्किंग प्रॉपरली। अब जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, जाहिर सी बात है अगर हमें कंप्यूटर का काम करने के लिए, कंप्यूटर से काम करवाने के लिए हमें इनपुट की जरूरत है, तो अगर हमने कोई प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए भी हमको इनपुट देंगे तो ही हमें आउटपुट मिलेगा। सी लैंग्वेज प्रोवाइड मैनी फंक्शन टू गेट इनपुट फ्रॉम यूजर, सी लैंग्वेज जो है बहुत ज्यादा फंक्शन देती है कि हम जो यूजर है उससे जो है वो इनपुट ले सके। सम ऑफ एग्जाम्पल्स आर एस फॉलो, स्कैन एफ, गेट्स, गेट सी एच, गेट सी एच ई। अब ये क्या, ये सारी एग्जाम्पल्स है, ये सारी क्या है, ये एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट, एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट इन सी लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, आउटपुट। अब आउटपुट क्या, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग फ्रॉम द कंप्यूटर इज नाउन एज आउटपुट। जब हम कंप्यूटर से कोई अपना रिजल्ट लेते हैं तो वो क्या होते हैं, वो हमारा आउटपुट होता है। द आउटपुट इज मोस्टली डिस्प्ले ऑन मोनिटर्स, ज्यादातर जो है वो हमें जो है वो मोनिटर के ऊपर शो होता है, क्योंकि मोनिटर के ऊपर जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर हमारा जो आउटपुट होता है वो सारा हमें प्रॉपरली नजर आ जाता है। द टर्म स्टैंडर्ड आउटपुट रेफर्स टू द आउटपुट डिस्प्ले ऑन द मोनिटर। अब इसमें क्या है, स्टैंडर्ड आउटपुट जो है हमारे पास मोनिटर होता है। मोनिटर क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो भी हमें चीज हमने करनी है, जो कुछ भी हम फंक्शन इनपुट करवाएंगे वो हमें मोनिटर पे ही शो होगा, तो वो हमारे लिए स्टैंडर्ड आउटपुट बन जाएगा। अगर हमारे पास मोनिटर ही नहीं होगा तो हम चीज कहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। द रिजल्ट ऑफ अ प्रोग्राम इज द आउटपुट ऑफ द डेट प्रोग्राम, लेकिन जो सी लैंग्वेज है उसमें अगर हमने कोई प्रोग्राम के प्रोग्राम लिखा है, हमने कोई प्रोग्राम के लिए इनपुट दिया है, तो उसका जो हमें रिजल्ट मिलेगा एग्जीक्यूशन के बाद, तो वो क्या होगा, वो आउटपुट होगा। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स मैनी फंक्शंस टू डिस्प्ले आउटपुट टू द यूजर, सम इम्पोर्टेंट फंक्शन फॉर आउटपुट आर एस फॉलो। हमारे पास जो है सी प्रोग्राम के, सी लैंग्वेज में भी आउटपुट के लिए काफी ज्यादा फंक्शंस होते हैं जो कि हमारे आउटपुट को डिस्प्ले करते हैं, जैसे कि प्रिंट एफ और पुट्स। ये क्या है, ये एग्जाम्पल्स ऑफ आउटपुट है। अब उन्होंने आगे क्या बताया, द फंक्शन यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट आर स्टोर इन द हेडर फाइल्स स्टूडियो डॉट एच। स्टूडियो डॉट एच यानी कि ये हमारी जो होती है हेडर फाइल होती है,
हेडर फाइल में जो होती है हमारा वो डाटा जो होता है वो स्टोर होता है। हेडर फाइल को बेसिकली हम लाइब्रेरी फाइल भी कह सकते हैं। लाइब्रेरी फाइल का आप सबको पता है कि लाइब्रेरी फाइल ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर हमारी जो फंक्शंस का डाटा जो कुछ भी होता है वो उसके अंदर रखा होता है। इफ अ प्रोग्राम यूजेस एनी इनपुट और आउटपुट फंक्शन इट इज नेसेसरी टू इंक्लूड दिस हेडर फाइल इन द प्रोग्राम। यानी कि अगर हमने अपने प्रोग्राम से कोई भी इनपुट दिया या फिर आउटपुट हमने उससे लेना है, कोई भी फंक्शन हमने करवाना है इनपुट आउटपुट का, तो उसके लिए हमारे पास हेडर फाइल होना बहुत जरूरी है। हेडर फाइल के अलावा के बगैर हम जो है ना जो है आउटपुट नहीं ले सकते। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन प्रिंट एफ फंक्शन विद एग्जाम्पल। प्रिंट एफ क्या है, प्रिंट एफ क्या है, ये एक आउटपुट फंक्शन है, सी लैंग्वेज में हम यूज करते हैं, जिसकी मदद से हमें जो है आउटपुट जो है वो मिलता है, हमें डिस्प्ले होता है। द प्रिंट एफ फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द मोनिटर। यानी कि ये हमें क्या करता है, हेल्प करता है आउटपुट को मोनिटर की स्क्रीन पे शो करवाने के लिए। इट कैन डिस्प्ले टेक्स्ट कॉन्स्टेंट आर वैल्यूज आर वेरिएबल ऑन द स्क्रीन। ये हमारे पास टेक्स्ट कॉन्स्टेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल जो कुछ भी हमने उसके अंदर डाटा जो है वो एंटर किया है, इनपुट दिया, वो हमें आउटपुट शो करने के लिए स्क्रीन के ऊपर शो करने के लिए मदद करता है। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू डिस्प्ले आउटपुट इन सी लैंग्वेज। द फंक्शन प्रिंट एफ इज प्रोनाउंस एज सी प्रिंट एफ। अब ये क्या है कि ये वाला जो फंक्शन है ये बेसिकली ज्यादातर जो है वो सी लैंग्वेज में ही यूज होता है और हम इसको प्रोनाउंस प्रिंट एफ के एफ से करते हैं। इसके आगे उन्होंने सेंटेक्स दिया है, दी सेंटेक्स ऑफ प्रिंट एफ फंक्शन इज एज फॉलो, प्रिंट एफ इनटू फॉर्मेट स्ट्रिंग और आर्गुमेंट लिस्ट। ये इसका फंक्शन है, इसकी हम आगे डिटेल देखते हैं। बेसिकली जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है ना ये यूज होती है कि हमारा जो वेरिएबल की वैल्यू है वो स्क्रीन पे कैसे शो होगी। और जो नेक्स्ट आगे आर्गुमेंट लिस्ट है ये क्या है कि इससे शो होती है कि हमारी कौन सी वैल्यू जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी। इसकी हम आगे इन दोनों की आगे हम डिटेल पढ़ते हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग की भी और आर्गुमेंट लिस्ट की भी। ये देखिए अब हमारे पास क्या है, फॉर्मेट स्ट्रिंग इज गिवन इन डबल कोटेस, इट इज आल्सो कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रिंग। द फॉर्मेट स्ट्रिंग में कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब ये क्या होता है कि हमारे पास जो फंक्शन के अंदर डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर जो हमारे पास जो भी हमने लिखा होगा उसको शो करवाने के लिए जो है ये यूज होता है। टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट क्या होता है, इट इज द मैसेज टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर जो मैसेज हमने डिस्प्ले करना है उसके लिए यूज होती है। फॉर्मेट स्पेसिफाई, इट स्पेसिफाइज हाउ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विल बी डिस्प्ले। यानी कि जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये क्या करता है कि हमारी जो वैल्यूज है वो किस तरह डिस्प्ले होनी है, हमने मोनिटर के ऊपर जो वैल्यूज हमारी जो आउटपुट होनी है वो कैसे डिस्प्ले होनी है ये वो शो करता है। एस्केप सीक्वेंस, इट स्पेसिफाई द फॉर्मेट ऑफ आउटपुट। ये जो है आउटपुट का जो फॉर्मेट होता है वो शो करवाता है, स्पेसिफाई करता है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्गुमेंट लिस्ट। आर्गुमेंट लिस्ट कंसिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट वेरिएबल आर एक्सप्रेशन हुज वैल्यूज आर टू बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन एफ। अब हम इसके लिए देखते हैं, जैसे जब हमने कुछ प्रिंट एफ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम लिखते हैं प्रिंट एफ इनको, फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इज। अब आगे हम क्या लिखते हैं, ये परसेंटेज डी डबल कोटेशन मार्क्स हम इधर खत्म करते हैं और नेक्स्ट हम क्या कर लिखते हैं, आर्गुमेंट लिस्ट लिखते हैं। यानी कि जो ये वाली जो लिस्ट होती है ना हम ये डबल कोटेशन के बाद लिखते हैं। हमने दी मार्क्स ऑफ स्टूडेंट लिखने हैं तो हमने आगे जी मार्क्स ऑफ स्टूडेंट को हमने जो वैल्यू दी हुई है वो इंट की, वो हमने ए रखी है, उसका नाम जो है वो हमने ए से डिस्प्ले किया हुआ है तो वो रखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऐसे करके हम उसके जो सेमी कॉलन लगा के उसको बंद कर देते हैं। अब ये क्या है, ये क्या है, ये आर्गुमेंट लिस्ट है और ये क्या है, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है। ठीक है, यानी कि ये वाला मैसेज जो है हमने शो करवाना है और ये क्या है कि हमारा जो आर्गुमेंट लिस्ट यानी कि हमने जिस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू रखी हुई है वो है। नेक्स्ट, द आर्गुमेंट लिस्ट कंसिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स आर एक्सप्रेशन हुज वैल्यूज आर टू बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। यानी कि ये वो वैल्यूज होती हैं जो कि हमने स्क्रीन के ऊपर शो करवानी होती है, जो कि हमने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवानी होती है। ईच आर्गुमेंट इन द
लिस्ट इज सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉमे के साथ जो हम इसको सेपरेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने अगर ए के साथ हमने और भी रखे कोई बी सी डी हमने नेक्स्ट और रखी है, तो हम क्या करेंगे दरमियान में कॉमा लगाएंगे और इसको जो है आपस में एक दूसरे से सेपरेट कर देंगे. द वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफाइड गिवन इन द फॉर्मेट स्ट्रिंग. यानी कि जो आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग की वैल्यू, जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होगी वो हम उसी के मुताबिक उसी के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे जो कि हमने फॉर्मेट स्ट्रिंग में रखी होगी. डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर आर यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू. द यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट लिस्ट इज ऑप्शनल. यानी कि ये ऑप्शनल होता है. जैसे कि हम ये हमने नीचे एग्जाम्पल लिया हेलो वर्ल्ड, इसके अंदर क्या, अब इसके अंदर हमारी आर्ग्यूमेंट लिस्ट नहीं है. अब ये हम जो होती है आर्ग्यूमेंट लिस्ट, ये जो होती है ऑप्शनल होती है, ये हम ले ले तो भी सही है, अगर ना ले तो भी सही है. लेकिन कुछ फंक्शन होते हैं जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट लिस्ट लेना जरूरी होते हैं, कुछ में ना भी लें तो काम चल जाता है. यूजिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग विदाउट आर्ग्यूमेंट लिस्ट. द फॉलोइंग एग्जाम्पल डिस्प्ले आर सिंपल मैसेज यूजिंग प्रिंट एफ फंक्शन हेलो वर्ल्ड, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड. अब ये क्या है, ये कंट्रोल स्ट्रिंग है. अब इसमें क्या होता है, इन दी अबव एग्जाम्पल प्रिंट एफ फंक्शन कंटेन ओनली फॉर्मेट स्ट्रिंग. अब इसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट स्ट्रिंग. यानी कि ये क्या है, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है, इसने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट स्ट्रिंग ली है. देर इज नो आर्ग्यूमेंट लिस्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर आर एस्केप सीक्वेंस. इसके अंदर ना हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर लिए ना हमने एस्केप सीक्वेंस लिए. इट विल डिस्प्ले मैसेज हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन. ये वाला जो फॉर्मेट है हम बेसिकली तब यूज करते हैं जब हमें सिंपल अपना मैसेज जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना होता है. यूजिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग विद सिंगल आर्ग्यूमेंट. यानी कि अब अगर हमने अगर सिंगल आर्गूमेंट यूज करना है तो उसके लिए क्या हमारा फॉर्मेट है. फॉलोइंग एग्जाम्पल यूज एन इंटीजर वैल्यूज एज आर्गूमेंट एंड डिस्प्ले इट्स वैल्यू. प्रिंट एफ सबसे पहले है वो हमने लिखा है योर मार्क्स आर परसेंटेज डी नेक्स्ट कॉमा और साथ में क्या है एम है. अब ये क्या है, ये जो है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है. यानी कि ये स्पेसिफाई करता है परसेंटेज डी जो है, यहाँ पे भी जो हमने परसेंटेज डी लगाया ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है. ये क्या डिस्प्ले करते हैं, यानी कि ये क्या शो करवाता है कि हमने जो फॉर्मेट यूज करना है वो कौन सा है, आया वो इंटीगर है वो फ्लोट है वो कौन सा है. हम फ्लोट के लिए जो परसेंटेज एफ यूज करते हैं, अगर हमने इसकी जगह फ्लोट यूज करना होता है तो हम परसेंटेज एफ यूज करते हैं. हर ये नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है फॉर्मेट स्पेसिफायर का, इसके अंदर उसके अंदर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे. और ये जो क्या है, ये सिंगल फॉर्मेट है, यानी कि ये सिंगल आर्गूमेंट है. अगर हम एक आर्गूमेंट के साथ लगाते हैं तो वो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मेट होगा. नेक्स्ट क्या, इन दी अबव एग्जाम्पल फॉर्मेट स्ट्रिंग contains परसेंटेज डी, इट इज रिलेटेड टू एम. ये जो परसेंटेज डी है ये एम से रिलेट कर रहा है, ठीक है. इट इंडिकेट दैट द वैल्यू ऑफ एम विल बी डिस्प्लेस एज एन इंटीगर. ये जो परसेंटेज डी है ये हमारा फॉर्मेट स्ट्रिंग जो बेसिकली यूज होता है ये इंटीगर के लिए यूज होते हैं. तो आगे ये क्या शो करवा रहा है कि जो हमने एम की वैल्यू लिखनी है वो इंटीगर में ही वैल्यू है. नेक्स्ट क्या है, यूजिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग विद मल्टीपल आर्गूमेंट. अगर हमने मल्टीपल आर्गूमेंट यूज करने हैं तो उसके लिए हम क्या, ये वाला हमारा फॉर्मेट होता है. इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले प्रिंट एफ होता है, उसके बाद क्या है योर मार्क्स आर परसेंटेज डी एंड ग्रेड परसेंटेज सी एम और जी. अब ये क्या है, ये एम परसेंटेज जी डी के लिए यूज हो रहा है और जो ग्रेड सी परसेंटेज सी है ये जी के लिए यूज हो रहा है. इसके हम देखते हैं अबव एग्जाम्पल uses two format specifier. अब इसने क्या किया, दो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किए. एक क्या किया परसेंटेज डी और सेकेंड वन इज परसेंटेज सी. अब परसेंटेज डी जो है वो तो रिलेट कर रहा है, परसेंटेज डी इज रिलेटेड टू एम एंड परसेंटेज सी इज रिलेटेड टू डी. अब जो परसेंटेज डी है वो मैंने आपको पहले भी बताया, बेसिकली हम परसेंटेज डी किस लिए यूज करते हैं, इंटीगर्स के लिए. और परसेंटेज सी क्या, हम करेक्टर्स के लिए यूज करते हैं. द साइन परसेंटेज इंडिकेट दैट बिगनिंग ऑफ अ फॉर्मेट स्पेसिफायर. जब हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर बिगिन करना होता है, यानी कि अगर हम सिंपल डी या एफ लिखेंगे या सी लिखेंगे, वो तो हम
जो है वेरिएबल की वैल्यू भी हम लिख सकते हैं, इस वेरिएबल की वैल्यूज को भी डिनोट कर सकते हैं जब हमने उसे स्पेसिफाई फॉर्मेट में ऊपर का चेंज करना होता है, यानी कि उसे स्पेसिफाई करना होता है, उसका जो फॉर्मेट होता है उसको स्पेसिफाई करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, परसेंटेज यूज करते हैं। जब हम इसके साथ परसेंटेज लगा लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये किसी स्पेसिफाई फॉर्मेट के लिए यूज हो रहा है। परसेंटेज डी जो है ये हम इंटीगर्स के लिए यूज करते हैं, परसेंटेज एफ जो है ये हम फ्लोट वैल्यूज के लिए यूज करते हैं, परसेंटेज सी जो है ये हम करेक्टर्स के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम डेट डिस्प्ले अ मैसेज एंड वैल्यू ऑफ इंटीगर एंड करेक्टर वेरिएबल्स। यानी कि अब हमने इसके अंदर क्या लेना है, इसके अंदर हमने दो लिए हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, हमने दो लेने, एक हमने लेना है परसेंटेज डी एंड सेकेंड वन हमने लेना है परसेंटेज सी, ठीक है। और हमने इसके अंदर क्या करना है, डिस्प्ले या मैसेज, हमने एक मैसेज डिस्प्ले करना है जिसके अंदर हमने वैल्यूज ऑफ इंटीगर और वैल्यूज ऑफ करेक्टर्स को शो करना है। सेम सबसे पहले वही हमारी हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल्स आ जाएंगी दोनों, उसके बाद वॉइड मेन आ जाएगा, उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इंट को और करेक्टर को जो है हमने वैल्यूज असाइन करनी है। ये हमने किए, चार करेक्टर के लिए हम यूज करते हैं चार और इंट के लिए हम यूज करते हैं आई एन टी। इंट एन की वैल्यूज हमने 10 रखी है, नेक्स्ट आगे हमने इसके जो सेमी कॉलन से इसको क्लोज कर दिया। करेक्टर की वैल्यू हमने क्या रखी है, करेक्टर की वैल्यू ये देखिए आपको नजर आ रही होगी, करेक्टर की वैल्यू हमने ये रखी है मल्टीप्लाई स्टार रखी है, यानी कि ये हमारा करेक्टर है, ये करेक्टर को डिस्प्ले कर रहा है, ये देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हमने प्रिंट एफ, हमने जो हमने आउटपुट स्क्रीन पे शो करवाना है वो क्या है, प्रिंट एफ हमारा टेस्टिंग आउटपुट, सेमी कॉलन लगा के जो है इसको हमने बंद कर दिया और आगे सेमी कॉलन यूज किए। इसके बाद हमने जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो हमने नीचे यूज किया और जो हमने वैल्यूज को जो डिस्प्ले करवानी है जो वैल्यूज उसको भी हमने जो है नेक्स्ट में लाइन पे शो किया। इसके बाद जो हमने इधर हमने जो है वो बैक स्लैश एन जो है वो इधर यूज नहीं किया, इस वजह से जो हमारी वैल्यूज है वो उसी लाइन में ही शो होगी। अगर हम बैक स्लैश एन यूज कर लेंगे तो हमारी जो वैल्यू है परसेंटेज डी एन और परसेंटेज सी सी एच की, वो हमारी वैल्यूज जो है वो नीचे शो नेक्स्ट लाइन में शो होगी। लेकिन क्योंकि हमने इधर परसेंट बैक स्लैश एन यूज नहीं किया तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा होगा, टेस्टिंग आउटपुट सेम वही टेस्टिंग आउटपुट जो हमने प्रिंट एफ से हमने स्क्रीन पे शो करवाना था वो। उसके बाद क्या हमने एन की वैल्यू डिस्प्ले करवानी थी इंट एन की वैल्यू डिस्प्ले करवानी थी जो कि 10 थी। उसके बाद हमने क्या किया कि करेक्टर की वैल्यू चार सी एच की हमने वैल्यू जो है वो जो है शो करवानी थी, वो हमने रखी थी ये स्टार और वो हमारी आगे शो हो गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ बफ प्रोग्राम वर्क, दी बफ प्रोग्राम डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज टू वेरिएबल एन एंड सी एच। उन्होंने क्या किया, हमने दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया और बाद में हमने उनके दो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया। इट डिस्प्ले मैसेज टेस्टिंग आउटपुट ऑन द स्क्रीन इट देन डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एन। पहले जो है उसने ये वाली वैल्यू जो है इसकी वैल्यू वो जो हमने लिखे जो हमने स्क्रीन के ऊपर इनपुट दिया है जो हमने मैसेज शो करवाना है वो है। उसके बाद क्या है, उन्होंने बताया इट देन डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एन एंड सी एच। फिर उसने क्या किया कि एन और सी एच की जो वेरिएबल्स की जो वैल्यूज है वो डिस्प्ले करवाई है। डी आउटपुट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन ऑन द सेम लाइन, जो हमारे पास आउटपुट होगा वो सेम लाइन पे ही शो होगा क्योंकि हमने बैक स्लैश एन यूज नहीं किया। The output of second statement start where the output of first statement end. जहां पे हमारा first statement का output जो है वो stop होगा वहां से ही हमारी next statement का जो output है वो display होगा। Next हमारी example है, write a program that adds two floating point number and show the same on screen. अब हमने next क्या करना है कि हमने floating point numbers को add करना है और फिर उसको उसका जो sum है वो screen पे show करना है। अब इसके लिए हम देखते हैं एग्जांपल, सबसे पहले क्या है हमारी हेडर फाइल्स हैं, लाइब्रेरी फाइल्स भी जिन्हें हम कहते हैं वो है, बाद में हमारा वॉइड मेन है,
यहाँ पे हमने जो है वो जो वेरिएबल्स के जो हमने डाटा टाइप लिया है वो हमारी क्या है, डाटा टाइप फ्लोट है। फ्लोट वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 और रिजल्ट के लिए हमने क्या यूज किया, RES। इसके अलावा हम कुछ और भी हम यूज कर सकते हैं, जो आपका दिल करे आप वो नाम रख सकते हैं, लेकिन इधर हमने क्या किया, रिजल्ट के लिए RES रखा है। उसके बाद हमने सेमी कॉलन लगा के जो है वो ब्रैकेट स्टेटमेंट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट हमने क्या किया है कि हमने वेरिएबल्स को वैल्यू दे दी है, यानी कि हमारे जो फर्स्ट वेरिएबल 1 है उसकी वैल्यू क्या है, ये है, और वेरिएबल 2 जो है उसकी वैल्यू ये है। लेकिन जो RES है ना वो हमने क्या रखनी है कि वो RES जो है इज इक्वल टू है वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो हमारा RES आ जाएगा। हम प्रिंट एफ देखते हैं। प्रिंट एफ में सबसे पहले उन्होंने परसेंटेज एफ लिया। परसेंटेज एफ इसलिए लिया क्योंकि हमने इधर फ्लोट की वैल्यू को डिस्प्ले करना है। फ्लोटिंग पॉइंट्स हमने लिए 2 फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर, दैट्स वाई हम इधर परसेंटेज एफ यूज कर रहे हैं। अगर हम इसकी जगह इंटीगर यूज करते तो हमने परसेंटेज डी लिखना था। अगर हम करेक्टर यूज करते तो हमने परसेंटेज सी लिखना था। क्योंकि हम यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट्स ले रहे हैं, हम फ्लोटिंग नंबर ले रहे हैं, तो हम परसेंटेज एफ के साथ इसकी वैल्यू को शो करेंगे। परसेंटेज एफ प्लस परसेंटेज एफ इज इक्वल टू परसेंटेज एफ। क्योंकि हमारी तीनों वैल्यूज फ्लोट में है, इसलिए हमने क्या किया, हमने तीनों को परसेंटेज एफ के साथ जो है वो डिस्प्ले करना है, शो करवाना है। उसके बाद क्या है, हमने वेरिएबल्स की जो वैल्यूज है वो रखी है, यानी कि वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, RES। और नीचे क्या हमारा गेट सीएच, यानी कि हमारा प्रोग्राम जो है वो खत्म हो गया। इसके आउटपुट कुछ ऐसे होगा, पर 24.27 प्लस जो हमने वेरिएबल 1 की वैल्यू रखी थी वो, प्लस वेरिएबल 2 की वैल्यू इज इक्वल टू हमारा जो रिजल्ट है वो ये आएगा। ये हमारी वैल्यूज इस तरह इसलिए डिस्प्ले हुई है, ये वाली जो वैल्यू है ये परसेंटेज एफ इसकी वैल्यू है, फिर बाद में हमने प्लस परसेंटेज एफ किया, ये वैल्यू ये वाली वैल्यू है, बेसिकली ये वैल्यू है। उसके बाद क्या इज इक्वल टू हमारा आ गया, फिर आगे क्या परसेंटेज एफ, यानी कि इन दोनों को प्लस करके जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, जो भी हमने रिजल्ट लेना है वो इन दोनों को प्लस करेंगे और वो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 65.77। नेक्स्ट क्लास इसकी जो है थर्ड एग्जाम्पल है, इसका थर्ड प्रोग्राम है, ये आपने खुद करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।